हेलो एवरीवन, मैं हूँ भारती। वेलकम टू माय चैनल। सो आई होप कि आप सब लोग अच्छे होंगे, अच्छे अच्छी स्टोरीज जो सुन रहे होंगे और मुझे ही बता रहे होंगे। तो आज इस वीडियो में आप लोगों के साथ पॉकेट एफएम की एक ऑडियो बुक का जो रिव्यू है वो शेयर करने वाली हूँ। बात की जाए इस ऑडियो बुक, तो ये एक रोमांटिक ऑडियो बुक है और ये आप लोगों को रोमांटिक बुक्स वाली कैटेगरी में 45 नंबर पर मिल जाएगी। और ये जो ऑडियो बुक है वो कंप्लीट हो चुकी है, ठीक है। तो पहले मैं आप लोगों को इसकी डिटेल जो है वो प्रोवाइड कर देती हूँ। बाकी जो इसके लिंक्स वगैरह होंगे वो आप लोगों को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे, वहाँ से जाके जो है आप लोग स्टोरी को सुन सकते हैं, ठीक है। तो जो स्टोरी का नाम है वो है बिटवीन यू एंड मी। इसकी जो रेटिंग है वो है 4.5 और इसके जो ऑथर है वो है मुंताजिर। जो इसके वॉइस आर्टिस्ट है वो है कबीर धाइया। अच्छा, बात कर लेते हैं हम इसके एपिसोड्स की। तो इसके जो एपिसोड्स हैं टोटल वो हैं 299, ठीक है। अब आ जाते हैं हम इसके इंट्रोडक्शन पर। तो इन्होंने इंट्रोडक्शन में बताया गया है कि जो हमारी हीरोइन है वो उनका नाम है अक्षिता, ठीक है। 5 साल पहले अक्षिता के परिवार वालों ने बुना था एक जाल। अक्षिता को बेचकर वो खरीदना चाहते थे अपनी फैमिली बिजनेस की सिक्योरिटी, ठीक है। इसी के चलते अक्षिता को एक बेटा हुआ अर्पित। आज 5 साल बाद समय आ गया है अर्पित को उसके पापा के पास ले जाने का और अक्षिता को अर्पित से बिछड़ने का। और पर अक्षिता चाहती है अर्पित के साथ थोड़ा और समय। क्या यही चाहत भुला देगी अक्षिता को अपने अतीत का दर्द? क्या अर्पित के पापा और अक्षिता कभी एक हो पाएंगे? कुछ इस तरीके का इंट्रो जो है वो दिया। हालांकि मैं चाहती तो आप लोगों को थोड़ा अलग तरीके से बता सकती थी, बट ये ना कुछ अलग ही तरीके का था। तो मैंने सोचा कि ना मैं डायरेक्ट आप लोगों को रीड करके ही बता दूँ कि इसमें क्या चीज़ें थी और क्या चीज़ें नहीं थी, क्योंकि मे बी मेरी वर्डिंग्स जो है इसको लेके वो थोड़ी अलग हो जाती, बट मुझे नहीं लगा कि मुझे इसके लिए कोई और शब्दों का इस्तेमाल जो है वो करना चाहिए, ठीक है। वो आप लोगों को पता चलेगा, क्योंकि इसमें कई सारी चीज़ें ना ऐसी थी जो मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं आई, ठीक है। और कई सारी चीज़ें थी जिसको लेके हम बस ये कह सकते हैं कि ठीक है, ओके ओके टाइप सी है, इतना ज़्यादा कुछ खास नहीं है। अब वो क्या चीज़ थी? अच्छा, इसके टैग्स की बात की जाए तो हाँ, ये तो आप लोगों को पता चले गया कि भाई हाँ, इसमें आप लोगों को जो है वो क्या क्या देखने को मिलेगा। यानी कि मतलब एक रोमांटिक स्टोरी तो है ही है, साथ में इसमें आप लोगों को रिवेंज देखने को मिलेगा, एक पास्ट जो है वो सुनने को मिलेगा। और वही है कि भाई एक वो रिच हस्बैंड कह लो या फिर फादर, वही है मतलब एक रिच बिजनेसमैन टाइप सा, बट ऐसा बिजनेसमैन जिसके पास कोई पावर ही नहीं है, क्या किया जा सकता है, ठीक है। और जो इसमें आप लोगों को चीज़ें देखने को मिलेंगी वो होंगी कि भाई हेड ऑफ़ द फैमिली की पावर, ठीक है। मतलब तुम ये कह देते हो कि भाई वो जो बंदा है ना वो बिजनेस के मामले में टॉप पर है, अपनी कंपनी में भी सबसे अच्छी पोजीशन रखता है, बट उसके पास कोई पावर नहीं है, मतलब वो स्टैंड नहीं ले सकता, तो उसको हीरो बनाने का कोई मतलब ही नहीं बनता, ठीक है। मुझे ऐसा लगता है अगर तुम में सामने वाले के लिए जो है स्टैंड लेने की हिम्मत नहीं है, खुद के लिए स्टैंड लेने की हिम्मत नहीं है, तो तुम एक अलग किस्म के इंसान हो भाई। जब तुम इतनी सी चीज़ नहीं कर सकते ना, तो तुम क्या ही करोगे, ठीक है। ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है, क्योंकि भाई तुम्हें अपनी बात रखनी आनी चाहिए है, ठीक है। हाँ, मे बी ऐसा हो सकता है कि तुम जो कह रहे हो वो सामने वाले के लिए गलत हो, ठीक है, सामने वाले के लिए गलत हो, बट तुम एक बार कहो तो सही, राइट। कहना चाहिए है, स्टैंड लेना चाहिए, बट भाई क्या किया जा सकता है। मतलब इनसे ज़्यादा पावर तो इनकी दादी के पास थी, और एंड में भी जिस तरीके से चीज़ें बदली और अचानक से ही सब कुछ हो गया, मतलब ऐसे लगा फटाफट से सारी चीज़ों को बस वाइंड अप करना है और फैमिली एक हुई भी तो भी कब, जब हमारी जो मतलब स्टोरी में जो दादी थी वो जब ऊपर चली गई, मतलब उनको इतना ज़्यादा नेगेटिव कैरेक्टर था उनका कि जिसकी कोई हद नहीं है, ठीक है। मुझे उनका कैरेक्टर बिल्कुल पसंद नहीं आया। और दूसरी तरफ हीरो को लेके भी मैं काफ़ी ज़्यादा डिसअपॉइंट हुई, क्योंकि उनके पास कोई पावर ही नहीं है, तो कुछ नहीं किया जा सकता भाई। अगर तुम इतने बड़े लेवल पे हो तब भी तुम मतलब सामने वाले को ही समझाओ, अपनी फैमिली को लेके ना बोलो कुछ भी, और मतलब अपनी ये कह लो कि तुम रहना चाहते हो, उनसे शादी करना चाहते हो, तो तुम वो चीज़ बोल ही नहीं रहे हो, क्या किया जा सकता है फिर। और दूसरी चीज़, एक अदर कैरेक्टर थे, मुझे तो ऐसा लगा कि भाई जिन्होंने उनकी हेल्प की, यानी कि जो हमारी हीरोइन है, क्या नाम बताया उनका, हाँ अक्षिता, उनकी उनके फ्रेंड ने काफ़ी हेल्प की एक, ठीक है।
मुझे तो लगता है कि उनकी शादी ना उनसे हो जानी चाहिए थी एज कम्पेयर टू हमारे हीरो, उनसे तो नहीं होनी चाहिए थी, क्योंकि जिस हिसाब से उनका नेचर था या उन्होंने जो जो चीज़ें की, मेरे लिए तो बिल्कुल ऐसा नहीं था। बस हाँ ये कह लो कि वो कहते नहीं है कि भाई हीरो हीरोइन को मिलाना ज़रूरी है, बस वही चीज़ मुझे लगी कि यहाँ पर वही चीज़ें कर दी कि भाई वो हीरो दिखाए गए और उन्हीं के साथ जो है वो उनको फिक्स करना है। बट मुझे ये चीज़ बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगी। अच्छा मैंने आप लोगों को नाम तो बताया ही नहीं ना उनका, कि वो उनका नाम क्या है, आयुष, ठीक है आयुष नाम है हमारे हीरो का। हीरो तो मैं उनको वही है, मैं नहीं बोल रही हीरो नहीं बोल रही, ठीक है। पर हाँ जो सेकंड कैरेक्टर है हमारे, उनका नाम जो है वो यही दिखाया है, ठीक है। तो बहुत कुछ था यार इसमें, मतलब मुझे बस यही चीज़ ना बहुत ज़्यादा खटकी कि भाई तुम क्यों नहीं बोल पा रहे हो, तुम्हारे होने का फिर मतलब ही क्या है, मुझे तो बहुत अटपटा लगा ये। और दूसरी तरफ बात की जाए हमारी हीरोइन की, तो उनका जो कैरेक्टर है वो काफ़ी ज़्यादा मतलब एक गुड नेचर वाला और काफ़ी मतलब केयरिंग मदर, ठीक है वैसा वाला था। और इनके बच्चों का, इनके बच्चों की बात की जाए तो काफ़ी क्यूट स्वीट मतलब बॉन्डिंग और काफ़ी अच्छा जो है वो इनको तो दिखाया गया। बट दूसरी चीज़ क्या थी कि इसमें कुछ चीज़ें जो है वो बहुत अचानक से हो गई, मतलब एंड में आप लोग देखोगे एकदम से ही सारी चीज़ों को जो है वो वाइंड अप कर दिया गया, एकदम से ख़त्म कर दिया गया। कुछ समझ में नहीं आया कि भाई अचानक से इतनी भी क्या जल्दी थी, एक दो एपिसोड और करके थोड़ा अच्छे से चीज़ों को दिखा दिया जाता तो बहुत सही रहता, ठीक है। बट ठीक है कोई बात नहीं, स्टोरी थी अब स्टोरी के हिसाब से ही रखेंगे, बट ठीक है एक बार सुनने जा सकते हो आप लोग, बट मैं इतना ज़्यादा रिकमेंड नहीं करूँगी, ठीक है ये मेरा पर्सनल ओपिनियन था। तो आप लोग देख लीजिएगा, कहीं बोलो कि भाई दीदी को दीदी ने ऐसे बोला, देखो मैं अपना पर्सनल ओपिनियन शेयर कर रही हूँ, जो चीज़ मुझे लगी वो मैंने आप लोग को डायरेक्टली बता दी कि इसमें मुझे क्या चीज़ें बिल्कुल भी पसंद नहीं आई, ठीक है। तो क्योंकि अगर हम हीरो को देख रहे हैं ना, तो मैं यही चाहूँगी कि भाई वो जो है वो सामने से बोले और उनको थोड़ा पावरफुल जो है वो दिखाया जाए, ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है। अब आप लोगों की इच्छा है, आप लोगों को स्टोरी सुननी है तो आप लोग जाके सुन सकते हैं, लिंक्स वगैरह डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप लोगों को मिल जाएंगे। उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों को मेरी वीडियो और मेरा रिव्यू जो है पसंद आया होगा। तो अगर आप लोगों को मेरी वीडियो पसंद आती है तो लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। और अगर आप लोग चाहते हैं आप किसी फेवरेट स्टोरी नॉवल बुक या फिर आपका मैं रिव्यू शेयर करूँ, तो आप लोग मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। जितनी जल्दी हो सकेगा मैं वीडियो लेकर हाजिर हो जाऊँगी। बाकी जब तक नेक्स्ट वीडियो आती है तब तक के लिए बाय और थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।